स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। बेसिकली सब कहते हैं कि हॉरर फिल्म एक जैसी होती है, कोई भी फिल्म उठा के देखो एक जैसी होती है, लेकिन ये हॉरर फिल्म आपको कुछ अलग दिखेगी। इसकी USP और धारिया जी जिनकी ये पहली फिल्म है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। पूरी पिक्चर यूरोप में शूट हुई है, गाने बहुत अच्छे हैं पिक्चर के, मेलोडी है, वरदान और रवि चोपड़ा जी ने बहुत अच्छे सपोर्ट से पिक्चर बहुत अच्छी बनी। थैंक यू वेरी मच। एक प्रोड्यूसर की मुश्किल दूर करेगी एक्टर्स की जो मुश्किल है। हम लोग शूटिंग के दौरान काफ़ी मुश्किलों से गुजरे, सो ऑल दैट इवेंचुअली हैज़ कम आउट टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। वी सीन द फिल्म एंड वी लव द सॉन्ग्स एंड आई होप दैट द ऑडियंस ऑल्सो लव्स इट। सो वी लॉन्च लेकर आए हैं, कुछ गाने लेकर आए हैं, तो वी आर होपिंग दैट यू ऑल लव इट एंड फ्रॉम देयर ऑन वी स्टार्टिंग आवर प्रमोशनल कैंपेन एंड वी होप दैट यू ऑल सपोर्ट अस। Anti and I think he I think it's a very bold thing on part of Ravindra ji, on part of hope that our endeavor has sort of paid off and with some fabulous actresses as well, and we've putting through a lot of difficulty. I know every film to do things ki jo maine pehle kabhi nahi ki hai, like the kind of songs that we have shot I don't think I have ever or might never do again. Peter and all the actors and actresses, they have really been helpful as it was my first film and I'm really grateful that I started this. Mera ye kehna hai ki film badi changi bani, bada jhagla support se sab da, sab logon ne bada khushi se ye kaam kiya hai and बनाते रहेंगे, तो हमें छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम अगेन विल कम बैक विद अ न्यू प्रोजेक्ट और व्हाट एल्स। सिर्फ एक इंसान ने तंग किया मेरे को, उसका नाम है नहीं सकता। मैंने खुद अपने आप को तंग किया। पिक्चर का नाम है मुश्किल और पिक्चर एक हॉरर जॉनर की है। पिक्चर में एक्चुअली आपको है ना, आपने बहुत सी हॉरर फिल्म देखी होगी, लेकिन इसमें हमने कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है। कुछ ग्रीस, कुछ यूरोप को और कुछ बनारस को कुछ मिक्सअप करके इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म में स्टार कास्ट में है रजनीश दुग्गल, कुणाल रॉय कपूर, नाजिया हसन, पूजा बिष्ट, शफाक नाज और अर्चना शास्त्री, ये पिक्चर के मेन लीड एक्टर है। पिक्चर के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो है वरदान सिंह और रवि चोपड़ा, जिन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए, बहुत मेलोडी सॉन्ग दिए। पिक्चर की USP बहुत अच्छी गाने से ही है, गाने बहुत अच्छे पिक्चर के। और मैं चाहूँगा कि रजनीश और कुणाल आपसे कुछ बात करें कंपनी है, और वो इंडिया से एक लड़कियों का एक ग्रुप आता है और वो उन्हें टूर के लिए लेके जा रहा है। और बेसिकली ही इज़ अ वेरी ब्रैश, ही इज़ अ वेरी फ्लर्टेशियस और वेरी फन लविंग एंड आउटगोइंग काइंड ऑफ कैरेक्टर। और फिर ये जाके आगे जाके ये सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो ही इज़ ऑल्सो क्वाइट टेकन अबैक बाय द होल सिचुएशन। That's pretty much his character. He's wo Greece mein pala bada hai, to he wo Greek bhi bolta hai, Hindi bhi bolta hai. He's a kind of mixed breed. So it's been a fun character. There's some very nice songs, as Rajiv was saying, very really interesting fun songs in the film as well. So yeah, that's pretty much my character. Brahman ka hai, Abir jo hai ये बनारस में बेस्ड है। ही इज़ अ फन लविंग ब्राह्मण, बट विद टाइम क्योंकि सर्कमस्टांसेस उसके ऐसे हो जाते हैं उसके आसपास की, उसको इस तांत्रिक विद्या में और इन सब चीज़ों में घुसना पड़ता है, जहाँ पे वो सोल को कंट्रोल करना सीखता है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी नॉलेज गेन करता है जिससे वो इवेंचुअली एक गोस्ट राइडर बन जाता है। एंड आगे जाके कहानी में कहीं पर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे यू नो ही डज कम इन टू हेल्प the guide and the four girls and
I would say that uski character ki jo intensity hai wo hi throughout is something which helps him to see souls, to go back into the past. And baki isse zyada agar main bataunga to sari picture hi reveal ho jayegi. And I think uske liye aapko mushkil dekhni padegi jo ki 9 august ko release ho rahi hai and sabhi theatro mein aapke aas paas. And yeah, that's what I would like to request you all to see. No, this is my third horror film, and yeah, I have experienced something like this, but that was bachpan mein tha. Main Shimla mein tha ek bar, aur meri bua jo hai, matlab wahan pe hotels jo hote hain -5, -4, -3 aise levels pe hote hain. तो बुआ जी रह रही थी -4 पे और हम लोग थे -5 वाले फ्लोर पे. एंड सडनली ऑब्वियसली हमने सुना हुआ था कि ये होटल जो है थोड़ा इसमें कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसे इशू होते हैं. एंड एक चीखने की आवाज़ आई एंड सडनली जो है बुआ बाथरूम से बाहर भागते हुए आए, सब बच्चे नीचे आए, वी ऑल वर देयर. एंड तब हमें रियलाइज़ हुआ कि बुआ ने एक बेसिकली एक दीवार से दूसरी दीवार में घुसते हुए एक आत्मा को देखा. एंड which is exactly what the receptionist had told us ki aisa kuch ho sakta hai. Agle din hum sabko laga ki mazak kar rahe hain. And next day this same thing happened with me. To main brush kar raha hu and suddenly maine dekha ki mirror mein se ki piche se koi idhar se nikal ke idhar gayi. And I think wo brush ko leke apne bag ko pakad ke hum log sab Shimla se seedha Delhi aa pahunche. And that was my first ever experience with souls ya jo bhi aap kehna chahe. And uske तो आई थिंक वो नाइट इन चाइना आपको आगे जाके फिल्म में देखकर पता चलेगा. इवेंचुअली इसी किसी भी पिक्चर में से जब आप बाहर निकलते हैं और क्लाइमैक्स में आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, सो दैट फिल्म वर्क्स विद द ऑडियंस एंड दैट्स व्हाट वी होप एंड वी प्रे दैट यू नो दिस फिल्म आल्सो डज. हाउ राजीव सर हैज इमेजिन मी कि इस तरह का रोमांस भी कर सकता है. एंड आई हैव नेवर डन अ सॉन्ग वेयर आई एम when I'm being so romantic and so sort of like a traditional kind of song. And I think even for an actor it's really nice to keep reimagining what you see yourself as. And I think sometimes you meet directors who also reimagine you, and that's a very helpful thing. So batao ji kya hai aapse pucha aap bataiye to aap jo dekhoge tabhi pata chalega kya kya but dasto lage सर ने हॉरर फिल्म बनाई है बट हमारे सर बहुत खुश मिजाज हैं और बहुत ही हैप्पी हैं. मैंने फिल्म देखी, मैं वापस आ गया, बाहर आ गया, अंदर के मारे इतना दर्द था मैं पूरी पिक्चर देख नहीं सका. अब बनते हुए तो मैं वहाँ बैठ ही सकता था जब बना रहे थे. इट वॉज रियली डर लग रहा था मुझे. आप जब शूट कर रहे होते हो ना, आप जब सीन में होते हैं और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सीन शूट कर रहे हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई प्रोसेस हो रहा है, सो एज अ परफॉर्मर आपका बहुत एनर्जी लगती है आप और यू नो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शूट करने के लिए मेंटली फिजिकली. सो दैट वॉज द वन थिंग. एंड बाकी मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ हॉरर फिल्म हॉरर जॉनर और मुझे बहुत अच्छा, मैं पर्सनली मैं देखती भी बहुत हूँ हॉरर. सो आई रियली इन्जॉय. आई एम अ डाई हार्ड हॉरर फिल्म फैन. मतलब मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 500-600 हॉरर फिल्म तो देखी होंगी. सो शूटिंग फॉर वन इज़ ऑफकोर्स वेरी एक्साइटिंग. एंड जहाँ तक मेरा किरदार है, आई एम प्लेइंग निभाना विच इज़ शी इज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल जो बॉम्बे आती है. सो देर इज़ अ ट्रांजिशन इन माई कैरेक्टर कि एक स्मॉल टाउन गर्ल हाउ शी ग्रूम्स हर सेल्फ एंड एक मेट्रो सिटी में आके एंड देन शी ट्रैवल्स विद हर फ्रेंड्स टू ग्रीस एंड ग्रीस में आके जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है हाउ दे हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ रजनीश हु इज प्लेइंग द सेवियर फॉर ऑल ऑफ अस. सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक यू कैन टेक ओवर नाउ. क्या चेंज होता है और कैसे सब एक हम चारों जो फ्रेंड्स हैं हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं. आई थिंक दैट इज अ यू नो गुड थिंग. और बाकी शूटिंग करना लाइक आई सेड कि मुझे हॉरर बहुत पसंद है तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया. वेरी वर्जिन लुकिंग सदा
भूतों को अपने आप को देख कर के डर जाते हैं। Script was ready where I met Rajiv. He was almost ready to do this film. So I didn't want it to waste time. So I said, "Jab sab kuch pyar hai, why not?" And it was just destiny, I say. It's a destiny. Yes, I know. It's a beautiful, like, आप जितना इस पर दिखा सकते हैं उसमें लाइक आप रोमांटिक फिल्म में नहीं दिखा सकते। वी आर कमिंग विद अ म्यूजिक कंपनी लाइक दैट म्यूजिक या जस्ट लॉन्चिंग इट वेरी सून विद नवराज हंस सॉन्ग। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.